नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश है 23 जून मंगलवार सुबह राजस्थान की खास खबरें। बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें फाइटर न्यूज को और प्रेस करें बेल आइकन को। बाड़मेर के समदड़ी थाना क्षेत्र में एक लोडेड मिनी पिकअप असंतुलित होकर पलट गई। हादसे में 4 महिलाएं घायल हो गई। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पुलिस ने बताया कि बलोतरा समदड़ी रोड पर पारलू सरहद के पास यह हादसा हुआ है। अलवर के लक्ष्मणगढ़ में विद्युत निगम के सतर्कता दल ने छापा मारते हुए 19 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। जानकारी के अनुसार 2 अधिशासी अभियंताओं के नेतृत्व में आधा दर्जन से अधिक गांवों में विभाग ने 101 जगह बिजली चोरी के खिलाफ कार्रवाई की। इस दौरान बिजली चोरी करने वालों पर 19 लाख रुपए से अधिक का जुर्माना लगाया गया है। इस दौरान आधा दर्जन से अधिक विद्युत निगम के सहायक अभियंता भी मौजूद रहे। जोधपुर जिले के महावंतों की मस्जिद के पास 2 गुटों के बीच हाथापाई हो गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने बताया कि यह हाथापाई पुरानी रंजिश के चलते हुई है। मामले की जानकारी जुटाई जा रही है। धौलपुर जिले के सर मथुरा थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक युवक को अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी के कब्जे से एक देसी कट्टा, 3 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। पुलिस ने स्थायी वारंटी बदमाश ओमी उर्फ ओम सिंह को खरोली गांव के पास से गिरफ्तार किया है। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा में आपसी कहासुनी को लेकर 2 पक्षों में झगड़ा हो गया। मिली जानकारी के अनुसार श्रीपाल की गद्दी में यह झगड़ा हुआ। झगड़े में 2 महिलाओं सहित आधा दर्जन लोग घायल हो गए। गंभीर रूप से घायल महिला और पुरुष को जिला अस्पताल रेफर किया गया है। करौली जिले में खूनी संघर्ष में करीब 1 दर्जन लोग घायल हो गए। सूचना मिलने पर लांगरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने बताया कि क्षेत्र के कसियापुरा गांव में 2 पक्षों में भूमि विवाद के चलते खूनी संघर्ष हो गया। विवाद के चलते दोनों पक्षों की ओर से लाठी और धारदार हथियार चलाए गए। पुलिस ने सभी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया है। सोमवार से देश के 2 एयरपोर्ट अब इनलाइन बैगेज स्क्रीनिंग सिस्टम की शुरुआत की गई। इस सिस्टम की शुरुआत जयपुर और वाराणसी एयरपोर्ट पर की गई। यही सिस्टम लखनऊ में 21 जून से लागू हो चुका है। वहीं चेन्नई, कोलकाता, गोवा, अहमदाबाद एयरपोर्ट पर यह सिस्टम पहले से लागू है। जल्द ही श्रीनगर, त्रिवेंद्रम और कालीकट एयरपोर्ट पर भी इस सिस्टम की शुरुआत की जाएगी। यह सिस्टम यात्रियों के लिए सुविधाजनक है। भरतपुर रेंज में अवैध वसूली के मामले में दलाल प्रमोद शर्मा को एसीबी ने 3 जुलाई तक रिमांड पर लिया है। कोर्ट ने 25 जून को 8 जुलाई तक इसे जेल भेजा था, लेकिन सोमवार को आईओ पृथ्वीराज मीना ने कोर्ट से इसका रिमांड मांगा था। कामा निवासी प्रमोद शर्मा श्रीनाथ ट्रेवल्स का मालिक है। इसमें पूर्व DIG लक्ष्मण गौड़ का संरक्षण दिलाने एवं ACR सही भरवाने के बदले में उद्योग नगर SHO चंद्र प्रकाश मीना से 5 लाख रुपए की घूस मांगी थी। खाद्य विभाग ने पिछले वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष सर्वाधिक गेहूं की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की है। खाद्य मंत्री रमेश मीना ने जानकारी देते हुए बताया कि अभी तक 21,61,000 मैट्रिक टन गेहूं की खरीद की जा चुकी है। इस दौरान कोरोना काल में 2,12,000 किसान लाभान्वित हुए हैं। लॉकडाउन के बीच नगर निगम जयपुर को 93 लाख रुपए का UD टैक्स मिला है। होटल रामबाग पैलेस से ही अकेले 87 लाख रुपए का टैक्स मिलता है। वही मोती डोंगरी जोन में भी राजस्व टीम को बड़ी सफलता मिली है। अकेले 1 करोड़ 1 लाख रुपए का राजस्व मोती डोंगरी जोन से मिला है। वही 93 लाख रुपए UD टैक्स तथा 8 लाख रुपए होर्डिंग टैक्स मिला है। कोटा संभाग के सबसे बड़े MBS अस्पताल में हंगामा हो गया। मिली जानकारी के अनुसार बुजुर्ग मरीज की मौत के बाद परिजनों ने अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए हंगामा कर दिया। कोरोना की जांच के लिए शव को नए अस्पताल की मोर्ची में भिजवाया है। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने मामला शांत करवाया। कोटा जिले के JK लोन अस्पताल में पैसा वसूली का मामला सामने आया है। मिली जानकारी के अनुसार कर्मचारी ने मरीज के परिजन से व्यवस्थाओं के नाम पर पैसे मांगने का आरोप लगाया है। मरीज के परिजन ने अस्पताल अधीक्षक को इसकी शिकायत की है। कोटा जिले में कोरोना काल में फीस माफी की मांग को लेकर अभिभावकों द्वारा इमानुल स्कूल के बाहर प्रदर्शन किया गया। जानकारी के अनुसार अभिभावकों ने आरोप लगाते हुए कहा कि स्कूल प्रबंधन लॉकडाउन पीरियड की फीस देने के लिए दबाव डाल रहे हैं।
भीलवाड़ा के जनरल स्टोर पर मेडिकल सामान की बिक्री करने का मामला सामने आया है। इस पर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने सदर बाजार में छापा मारा। विभाग ने कार्रवाई कर सैनिटाइजर के सैंपल लिए। जानकारी के अनुसार यह कार्रवाई अमर ज्योति जनरल भीलवाड़ा के संप्रेषण गृह से 7 बालकों के पलायन की घटना पर राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने प्रसंज्ञान लिया है। जानकारी के अनुसार आयोग अध्यक्ष संगीता बेनीवाल ने पुलिस अधीक्षक भीलवाड़ा को निर्देश देते हुए इसकी अविलंब जांच करने के लिए कहा है। बता दें कि सोमवार को भीलवाड़ा के संप्रेषण गृह से 7 बच्चे भागे थे, जिनमें से एक को पुलिस ने बरामद कर लिया है। शेष बच्चों की तलाश जारी है। ताजा तरीन खबरों के लिए फाइटर न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि नई न्यूज अपडेट होते ही आपके फोन की घंटी बज जाए। Once again.